वट एवर माई डायरेक्टर वॉन्ट्स मी ओके मैं वो करूँगा। आई नीड टू मैच टू हिस्स विजन तो एंड प्लस मेरे जो फादर है हीज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट फिल्म मेकर एंड उनका जो सेंस ऑफ अस्थेटिक्स है माइंड ड्रोइंग है फैबुलस है एंड उनकी अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो वलगैरिटी होती नहीं है इंटरमिट सीन्स आर अ पार्ट एंड पासल ऑफ दिस मूवी एंड इट्स बिन अस्थेटिकली शॉर्ट शिव उपेनि सिंह हीज परवाना लेकिन मैं आपसे जान चाहूंगा सब दीवाने से सबसे हाँ दीवाने हम, हम हैं हम सभी दीवाने हैं एक दो तीन तीन दीवाने हैं यहाँ पे नदीम जी का जो म्यूजिक है लाजवाब है एंड बोलते हैं ना कि ऑडियंस के दिल में घर कर जाता है तो हम सभी उन गानों के दीवाने हैं ये ये आंसर नताशा नताशा से हु बेस्ट दीवाना यार ऑन ऑन स्क्रीन आपने देखा सेट्स सेट्स ऑफ जी मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे नहीं पता अंदर क्या क्या चल रहा है दिल में क्या दिमाग में दिमाग लेकिन आई एम sure कि हम एक्टिंग के भी दीवाने हैं इसलिए हम वी आर वर्किंग छोड़ के एक्टिंग के दीवाने से

तो इस मूवी के अंदर एक नई चीज भी आपने करी राइडिंग, अ हॉर्स सुना नहीं पढ़ा भी नहीं तो so, कैसा लगा हॉर्स राइडिंग आपके लिए इस मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा रहा आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं आई लर्न हाउ टू राइड बिकॉज नॉर्मल लाइफ में सबको नहीं मिलती है और इतने अच्छे एनिमल को देख के किसी को भी डर लगता है बिकॉज वाकई काफ़ी बड़ा एनिमल है लेकिन हॉर्स राइडिंग सीख के मुझे ये पता चला कि हॉर्स बहुत वफादार होते हैं आई मीन और बहुत प्यार करने वाले होते हैं तो ये आप बिलीव नहीं करोगे लंदन में हम जब सीख रहे थे दो दिन का ट्रेनिंग था वहां पे वो हॉर्स मेरे सांस ले छोड़ने पे चलता था और मेरे सांस रुकाने पे रुक जाता था तो उसको इतनी मेरी सांसों तक उसे एक अंडरस्टैंडिंग की कि आई नो आई एम सपोज टू बे फॉर दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज फॉर मी तो काफ़ी अच्छा था सॉरी इस लाइन की यही खासियत है कि जो आप अपने डेली लाइफ में नहीं कर पाते आपको एक्टिंग वो ऑन स्क्रीन करवाता है निशिम आपका एक और हमने देखी खूबी जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो इंटेंस एक होते हैं ना कहते हैं कि आपने बिल्कुल शायरी में और इसका कभी आपको शौक रहा तो जब मैंने तय किया कि मुझे एक्टर बनना है तो मुझे अपनी ज़बान साफ करनी थी तो उसी वजह से मैंने उर्दू पोइट्री पढ़ी लिखी एंड आई एम अ फ़ैन ऑफ उर्दू पोइट्री तो वो एस्पेक्ट जो है मुझे इस कैरेक्टर में हेल्प किया बिल्कुल सुलिस सर आपका हमेशा से ग्वालियर आपने कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं वहाँ शूट भी करना चाहता इवन इंडिया में बहुत अच्छी प्लेसेस है तो ऐसा क्यों क्योंकि आपने बाहर जाके उसको शूट किया इंडिया में जबकि बहुत अच्छी अच्छी ऐसी जगहें जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है Uh, मैंने अपनी काफ़ी फिल्म इंडिया में बनाई हैं लेकिन ये महसूस किया कि भाई आ, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की जो गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं बल्कि अगर आप अगर आप स्विट्जरलैंड जाओ या साउथ अफ्रीका जाओ या यूके जाओ तो वो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट आपको इनक्रेज करती है वहाँ फिल्म शूट करने के लिए यहाँ भी अभी कुछ स्टेट्स ने अपने आप को खोलने की कोशिश की है लेकिन मैं चाहता हूँ अभी बहुत कुछ और करना ज़रूरी है और मोदी साहब को हमारे पी को ये कोशिश करनी कि फ़िल्म इंडस्ट्री ने हमेशा इस गौर उनके गौर्ण, हमारे जितने गवर्नमेंट्स ने उनको हमेशा सपोर्ट किया है तो इस बार फिल्म इंडस्ट्री को भी जरूरत है उनके सपोर्ट की तो फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें जहाँ पे आपने शूट किया वहाँ पे कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं उस खूबसूरत जगह के बारे में आपसे ही जानना चाहेंगे वो एक कैबल एक केव था स्लेट का केव था और कुछ कई हंड्रेड किलो वो क्या होता है स्टेप्स नीचे जाना पड़ता था उस जगह वहाँ पर उन्होंने स्टेज बना दिया था और वहाँ पे आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे लेकिन जब हमने देखा तो हमने हमारे गाने के अंदाज़ से देखा तो वहाँ जब नीचे जाते थे 500 सौ छः सौ फुट पे तो एक तालाब भी था पानी नीचे उस तालाब से पानी बॉटल होके लोग पीते हैं ना जो स्प्रिंग वाटर वो आता था और उसके बाजू में हमने गाना शूट किया हंसते हंसते हमने वहाँ छोटे छोटे कैंडल्स लगाए और आप फिल्में देखो उसका टेक्स्चर इतना खूबसूरत लगता है मुझे फिर जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान में ऐसे कई जगह होंगी लेकिन वहाँ की परमिशन जो है मिलना नामुमकिन होता है और यहाँ पे एक दिन परमिशन मांगी अगले दिन शूटिंग करने दे देख इसी खूबसूरत जगह के बारे में आपसे जानना चाहेंगे विदाउट बींग डिप्लोमेटिक नताशा इज़ ब्यूटफुल नो डाउट ओजा जगह आपने शूट करी दैट इज वेरी नाइस तो क्या सबसे अच्छा नताशा की ब्यूटी या उस जगह की ब्यूटी दोनों की ब्यूटी दोनों की ब्यूटी नॉट टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट बट नताशा हर सेल्फ इज अज गर्ल ओके आंखें इनकी इफ यू सी आईज दे सो एक्सप्रेसिव मतलब uh, इनको यू नो अल्फाज बयान ही करने पड़ते इनके आंखों से इनके आंखों से वी कैन अंडरस्टैंड वॉट्स इन द माइंड तो The place was so gorgeous. इतनी इतना ब्यूटीफुल कैंडल्स लगाए थे वहाँ पे और इतना ब्यूटीफुल एस्थेटिकली सब शूट किया गया है और उस खूबसूरती के साथ हमारे पास नदीम का गाना था हंसते हंसते जो खुद इतना खूबसूरत है उनका जो रोमांस का जज्बा है वो जो, जो सुर हैं वो लाजवाब होते हैं सर एक और चीज हमारी ऑडियंस में जाना चाहती है जो कई अखबारों में खबरें हैं कि ये धड़कन का सीक्वल है या इससे रिलेट किया जा रहा है लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने हमारे दर्शकों हमारी को हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये किस तरह की मूवी है उससे अलग है धड़कन से तो ये बिल्कुल अलग फिल्म है इसका कोई बस एक दर्शन जो है वो कॉमन है धड़कन और दर्शन बाकी कोई और सिमिलरिटी नहीं है ये बिल्कुल अलग फिल्म है इसमें एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है जो एक मिस्ट्री और एक माहौल में एक अलग ही माहौल में प्लेस की गई है और नरेट की गई है इसका संगीत बहुत अनोखा है और कहीं ना कहीं आपको एक नया सिनेमा जो है ना क्योंकि ये सिनेमा बहुत टाइम से हिंदुस्तान में पिछले दस साल में लोग बहुत रियलिटी सिनेमा बनाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि वो गाने नहीं डालते हमारी फिल्मों में छः गाने हैं लोग कहीं ना कहीं हकीकत की दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं ये फिल्म आपको एक उस ख्वाबी दुनिया में जी ले जाएगी जिसके हरमान हर किसी के दिल में होता है

प्रोज ये होता है कि ऑफकोर्स शायद आपको आपका पहला ब्रेक इजिली मिले कौन ये होता है कि समय लोग आपको पिनलाइज करते हैं उनको लगता है कि आपको चीजें ईजिली मिली है लाइफ में बट हैविंग सेड दिस आपकी एबिलिटी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, उनको एंटरटेन करना उन, उन, उनके दिलों तक पहुंचना वो चैलेंज होता है नताशा एक और चीज़ होती हुई एक गाना था जो यूट्यूब पर डाला गया बहुत अच्छा उसने किया काफ़ी लाइक्स मिले उसको और उसको फिर हटा दिया गया तो कई बार दुख होता है यार इतना अच्छा कर क्योंकि बहुत ऐसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो ये करते हैं बट स्टिल उसने अच्छा, इतना अच्छा किया तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी जो चीज़ें हैं कैसे आप क्योंकि इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं mm -hmm. ऐसी चीजें होती रहेंगी आपको भी फेस करनी पड़ेगी, कई बातें होंगी तो कैसे देखेंगे hard, we'll उसमें हमारा दिल रहता है हमारी रूह रहती है और uh, लेकिन सच हमेशा छिपती नहीं एंड गुड ऑलवेज प्रस तो यस दे

मिल नहीं पाती है नए सिंगर में तो आप हमेशा नए लोगों को मौका देते हैं आपने नताशा को दिया यासिर को दिया और हमेशा देते रहे हैं तो कैसा म्यूज़िक है सर फिल्म का बहुत अनोखा म्यूज़िक है बहुत दिल को छूने वाला नदीम का नशेदार म्यूज़िक है यू नो जो दिन चार दिन सुनने के बाद रिदम के साथ डाई आउट नहीं होता ये फील है इसमें और मैं नदीम का हमेशा फ़ैन रहा हूँ और इसलिए अपनी पिछली लगातार सात आठ फिल्मों में मैंने उनके साथ काम भी किया है बहुत अच्छा काम करते हैं डेडिकेटेड है अपने अपने काम की थोड़ा तो डिलीवरी में तो आई आई एम प्राउड दैट दिस इज द म्यूजिक फ्रॉम माई मूवी और अब फिल्म जो है कल रिलीज हो रही है तीस जून को तो आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू कोच दिस मूवी जाइए देखिए खूबसूरत फिल्म है आपको मज़ा आएगा नताशा आखिरी क्वेश्चन आपसे वेन योर फैमिली गोट टू नो किया आपको मूवी ऑफर हो गई है सपना था उनके लिए उनका रिएक्शन क्या था क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ आपके हाथ में था केक आइस मतलब बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं और आपको वो ड्रीम्स फुलफिल हो चुकी है जी आ, ये सपना मेरा है एक्टिंग का एक्ट्रेस बनना और यस ये सपना था बहुत सालों के लिए लेकिन आज हकीकत है, है मेरी और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे बहुत सपोर्टिव थे इनिशियली उनको थोड़ा हिचकिचाहट और डर भी लग रहा था बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर। लेकिन सुनील सर को मिलने के बाद उनको एक तसली मिली कि यस शी इज़ वर्किंग विद द राइट पर्सन एंड दिस मीन्स ओनली वर्क

Uh, इसका स्टोरी टेलिंग है सो प्लीज गो एंड वॉच एक एक हसीना थी दीवाना था ऑन ऑफ जून जी मैं बस सिर्फ अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म जो है काफी इमोशनल फिल्म है इसमें नदीम जी की म्यूजिक है तो इट इज द अपनी फिल्म की जान है लेकिन आप जरूर एंटरटेंड होगे और आपको ये आप फिल्म बार बार देखोगे म्यूजिक के वजह से और लोकेशंस के वजह से तो यस yes. तो मूवी uh, रिलीज हो रही है तीस जून को आप भी जाइए सिनेमा घरों में क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है जैसे कि शिवनताब पैशन है थ्रिलर है म्यूजिकल मिस्ट्री जिसे हम कह रहे हैं नदीम साहब की दोबारा बॉलीवुड में आप वापसी कर सकते हैं सुनील सर ने जो दस साल बाद एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है तो हम भी इन सब की तरफ से ये कहेंगे आप जाइए सिनेमाघरों में इस मूवी को इंजॉय कीजिए कैमरामैन मदन के साथ सौरभ शर्मा समाचार प्लस